स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इंडाइजेशन इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स हैं कल भी हमने देखा था डिडोनीय जिजोनीय एंड ईलियम डिडोनीम इज़ दर्स्ट पार्ट हुज लेंथ इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर विच लीड इन टू जिजोनीय एंड दिन एलियम Uh, काइम जो स्टमक से फूड जो है पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से आएगा डेट एंटर इन टू डिडोनियम और हमने पढ़ा था कि जो स्टमक के एंजाइम्स हैं इट वर्क इन टू एसिडिक इन्वामेंट तो जो काइम है इट्स इट इज एसिडिक ठीक है तो इट्स एसिडिटी स्टिम्यूलेट द रिलीज ऑफ सिक्रीशन फ्राम पेंक्रियाज लीवर एंड डिडोनियल सेल स्टमक में हमने देखा था कि जो uh, Uh, था गैस्ट्रिक जूस इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम स्टमक ठीक है स्टमक के अपने ही जो सेल uh, थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे वो uh, गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करते थे डिडोनियम के अंदर जो बेसिकली मोस्टली सिक्रीशन है वो पैंक्रियाज और लीवर से होती है इसके अपने जो डिडोनियल सेल हैं वो उनके अंदर बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग uh, एंजाइम्स नहीं है कि वो फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर सके बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम जो डाइजेशन है एंड अब्जॉर्बशन का प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है और इट्स डिडोनियम पार्ट जो है इट इज़ कंसर्न विद मैक्सिमम डाइजेशन ठीक है तो पेंक्रियाज और लीवर के अप जो हैं ये एनजाइम ये डिडोनीम के अंदर सिक्रीट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो पहले हम डिडोनीयम में डाइजेशन के प्रोसेस को देखने से पहले हमें पेंक्रियाज की जो स्ट्रक्चर है पेंक्रियाज का जो फंक्शन है वो हम देखते हैं पेंक्रियाज क्या है जिसे हम लबलबा भी बोलते हैं इट इज़ अ लार्ज ग्लैंड विच एक्टेज एंडोक्राइन एंड एक्सोग्राइन इसके पास जो है वो एंडोक्राइन टिश्यूज भी हैं और एक्सोग्राइन टिश्यूज भी है एक्सोग्राइन सेल्स इन पेंक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव एजाइम्स इन टू दी पेंक्रियाटिक डट ठीक है duct, तो जो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ हैं पेंक्रियाज के वो डाइजेस्टिव एनजाइम प्रोड्यूस करते हैं जबकि जो एंडोक्राइन टिश्यूज uh, हैं पेंक्रियाज के वो हॉर्मोन्स uh, प्रोड्यूस करते हैं जैसे इंसोलिन है ग्लूकागोन है वो हम सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंडस में तो यहाँ पर डाइजेशन में जो अ, हम पेंक्रियाज का रोल पर डिस्कस कर रहे हैं तो डाइजेशन में जो पेंक्रियाज का रोल है वो आ, ये है कि ये एक्सोक्राइन टिश्यू के तौर पर एड करता है तो ये आ, जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं पेंक्रियाटिक डर्द के थ्रू जो है वो यहाँ मेंशन हुआ हुआ है कि पेंक्रियाटिक डग के, के थ्रू जो है वो डिडोनियम में सिक्रीट हो जाते हैं अब ये जो सिक्रीशन uh, है पेंक्रियाटिक जूस उसमें क्या है बेसिकली थ्री टाइप्स के एंजाइम्स हैं जो हमारे प्रिंसिपल फूड कंपोनेंट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फैट्स और प्रोटीन्स इनको डाइजेस्ट कर देते हैं ठीक है तो फर्स्टली यहाँ पर प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अमाइलेस जिसे हम पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं जैसे औरल कैविटी में भी जो है हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है तो वहाँ भी अमाइलेस प्रोड्यूस होता था ठीक है आप देख सकते हो अमाइलेज है ठीक है फिर लाइपेज है लाइपेज इज़ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो फैट्स को ग्लिस्ट्रोल और फैटी एसड्स में जो है कन्वर्ट कर देता है ठीक है फिर है ट्रिप्सन ट्रिप्सन जो है ये प्रोटीन डायजेस्टिंग एनजाम है ये भी पैपसिनोजिन की तरह पैप्सिन की तरह इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है जिसे हम ट्रिप्सिनोजिन कहते हैं ठीक है ट्रिप्सिनोजिन क्यों इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है इसका भी फंक्शन जो है अडेप्टेसन वही है जो हमने पेप्सिनोजिन की पढ़ी थी कि अगर एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होगा तो फूड कंपोनेंट्स आने से पहले ही ये अपनी जो इंटरनल लाइनिंग है डिडोनियम की उसको जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा डाइजेस्ट कर देगा तो ट्रिप्सिनोजिन जो है वो एंटीरोइनेस के थ्रू जो है वो एक्टिव ट्रिप्सिन में जो है वो कन्वर्ट होता है और एक्टिवेशन के बाद जो है ये लार्ज पोलीपैप्टाइड्स और पेप्टोन्स को की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ठीक है आगे आपको ट्रिप्सिन का बताया हुआ है ट्रिप्सिन स्प्लिट प्रोटीन इंटू पेप्टोन्स एंड पैंक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है विच पार्टली न्यूट्रलाइज द काइम कमिंग फ्रॉम द स्टमक दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज एन्जाइम ऑफ दी पैंक्रियाज डू नॉट वर्क वेल इन एसिडिक कंडीशन ठीक है बेटे यहाँ तक हमने देखें डाइजेशन इन औरल कैविटी पढ़ ली है डाइजेशन इन स्टमक पढ़ लिया है तो आपको ये जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि औरल कैविटी के जो एनजाइम्स थे या जो औरल कैविटी में डाइजेशन होती थी वो भी अल्कलाइन इन्वायरमेंट में होती थी ठीक है स्टमक की जो डाइजेशन है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में हो रही है एसिडिक पीएच है स्टमक में जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है वो बेसिक uh, जो है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सिक्रीट होकर कायम की पीएच को न्यूट्रलाइज करता है बेसिक करता है क्योंकि बैंक्रियाज़ के जो एंजाइम है वो एसिडिक कंडीशन में काम नहीं कर सकते ठीक है सो ओनली स्टमक इज द प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वर्क इन एसिडिक कंडीशन ठीक है पेंक्रियाज के बाद जो है नेक्स्ट ऑर्गन आ जाता है विच पार्टिसिपेट इन डाइजेशन इज़ लीवर ठीक है लीवर क्या है हमें अच्छी तरह से पता है लीवर को जो है वो हम इसे जिगर बोलते हैं उर्दू में ठीक है तो लीवर जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन मेमेलियन बॉडी ठीक है दिस इज़ प्रेजेंट अंडर द डाया ठीक है और इसमें जो है हमारा लिवर जो है बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बहुत से इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के वो लीवर में होते हैं ठीक है जिस तरह से हार्ट है या ब्रेन है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है लेकिन हार्ट और ब्रेन से भी ज़्यादा जो हमारे बॉडी के सिस्टम के जो वर्क हो रहे हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस कहीं पर सिंथेसिज कर रहा है कहीं पर यह टॉक्सिसिटी को जो है वो कम कर रहा है कहीं पर ये आर को सिंथिसाइज कर रहा है कहीं पर यह अमाइनो एसिड्स जो है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है कहीं पर जो ये यूरिया uh, साइकिल है जो अमोनिया uh, uh, से यूरिया की फॉर्मेशन है यानी यूरन की फॉर्मेशन वहाँ कहीं पर ये वो काम कर रहा है तो कहीं पर ये देखें हम आज डाइजेशन में इसका जो है वो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि जो लीवर है ये बाइल को प्रोड्यूस करता है ठीक है अब बाइल क्या है बाइल जो है ये आर की ब्रेकडाउन है यानी आर जो हैं आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी एक एज है ठीक है वन ट्वेंटी डेज़ के बाद जो है ये डेड हो जाते हैं और इनका जो डेड प्रोडक्ट है वो लीवर के अंदर बाइल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है आर के रेड प्रोडक्ट को डेड प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बिली रूबेन ठीक है और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है आर की यानी ओल्ड आर जो है वो लीवर के अंदर आकर जो है वो रपच्चर हो रहे हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही है ये आ, हो रही है लीवर सेल्स के अंदर ठीक है तो जो आर का डेड प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट है डेड आर का उसे हम जो है बिली रूबन बोलते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बाइल अब ये जो बाइल है प्रोड्यूस जो है ये लीवर करता है लेकिन स्टोर्ड इसको गाल ब्लडर करता है ठीक है तो बाइल को देखते हम पहले क्या है बाइल बाइल दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट वाटर फ्लूड है इट कंटेन नो एन्जाइम बट इट्स कलर इज ग्रीन ड्यू टू बाइल पिगमेंट विच आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लीवर ठीक है बाइल ऑल्सो कंटेन्स बाइल सॉल्ट विच एक्ट ऑन फैट्स एंड इमल्सिफाई दैम ठीक है बाइल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि ये फैट्स के ऊपर एक्ट करता है और फैट्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको इमल्सिफाई करता है ठीक है तो समझ आ गई बेटे बाइल क्या है फ्लूड है जिसके अंदर जो है बाइल सॉल प्रेजेंट है बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है फंक्शन इसका डाइजेशन में है डाइजेशन ऑफ फैट्स क्योंकि बेसिकली uh, ये ख़ुद कोई एंजाइम नहीं है लेकिन ये क्या करता है कि डाइट्री uh, फैट्स जो हैं उनको इमल्सिफ़ाई करता है ताकि वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफ़िकेशन ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स इन स्मॉल इज नोन एज इमल्सिफिकेशन और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये बाइल की वजह से हो रहा है ठीक है जो हमने पीछे पढ़ा है कि जो लाइपेज है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम ये लार्ज ग्लोब्यूल्स पर एक्ट नहीं करता इसके फंक्शन के लिए जो फैट्स है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में स्मॉल जो है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है तो ये बाइल जो है ये काम करता है ठीक है बाइल पिगमेंट का भी हम आपको पता चल गया है कि बायल पिगमेंट ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं इट प्रोड्यूस फ्रॉम दी फैगोसाइटोसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन लीवर ठीक है लीवर के अंदर जो ओल्ड आर हैं अपनी एज कंप्लीट करने के बाद लीवर के अंदर जो है आकर डिग्रेड हो जाते हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से डिग्रेड हो जाते हैं और इनका जो एंड प्रोडक्ट है बिली रूबन है जो यहाँ पर आकर जो है वो प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद गाल ब्लडर में स्टोर हो जाता है गाल ब्लडर जो है इसे हम बोलते हैं पिता ठीक है तो ये था फंक्शन के देखें इसमें पेंक्रियाज भी इन्वॉल्व हो रहा है डाइजेशन में लीवर भी और गाल ब्लडर का काम क्या है कि जो बाइल की है बाइल लीवर की जो सिक्रीशन है उसको टेम्प्रेरली अपने अंदर स्टोर करना और जब डिडोनियम के अंदर ज़रूरत है डाइजेश फैट जैसे ही एंटर होती है तो ये डिडोनीय के अंदर जो है वो बाइल डट के थ्रू जो है वो सिक्रीट हो जाती है ठीक है अब अगर ये बाइल पिगमेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ना निकले या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए तो ये कंडीशन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं जॉन्डस ठीक है यरकान आपने सुना होगा ठीक है तो बाइल पिगमेंट जो है डायजेस्टिव ट्रैक्ट को से रिमूवल इसकी बहुत ज़रूरी है और अगर ये नहीं रिमूव होता तो ये जॉइंडस की कंडीशन प्रोड्यूस करता है फिर इस तरह से अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीवर है इसके मल्टी फंक्शन हैं तो इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये कोलेस्ट्रोल को जो है सिंथिसाइज करता है ठीक है कोलेस्ट्रोल को जो है ये अपने अंदर सिंथेसाइज करता है अब अगर ये जो कोलेस्ट्रोल लीवर के अंदर जो है एकूमुलेट हो जाए ठीक है तो ये इक्यूमुलेट होने के बाद गाल ब्लडर के अंदर जाकर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में ज़रात की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है जो गाल स्टोन्स बनाते हैं ठीक है ये बेटे आपको यहाँ पर टू इसके डिसऑर्डर्स बताए हुए लीवर के एक तो जॉइंड के अगर बाइल पिगमेंट लीवर सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए तो वो जो कंडीशन हार्मफुल कंडीशन क्रिएट करता है उसे हम जॉइडस बोलते हैं इसी तरह दूसरी जो डिज़ीज़ है वो कोलेस्ट्रोल की एक्यूमुलेशन की वजह से है कि अगर कोलेस्ट्रोल जो है वो लीवर के अंदर प्रॉपरली एक्सक्रीट ना हो और गाल ब्लडर के अंदर जाके प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो वो गाल स्टोन्स जो है वो डिज़ीज़ जो है वो क्रिएट करता है ठीक है तो गाल स्टोन्स जो है इट इसकागेट जो है वो डिसएडवांटेज ये होगा कि ये आ, बाइल की सिक्रीशन में बाइल की जो बाइल डग के थ्रू डिडोनीियम के अंदर सिक्रीशन है बाइल की उसको ब्लॉक कर देगा क्योंकि जो पाथवे है वो ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से बाइल जो है वो डिडोनीय में रिलीज़ नहीं होगा और इसकी रिलीज ना होने की वजह से जो है वो डाइजेशन जो है फैट्स की डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो अक्सर आपने सुना होगा कि जो है वो पत्ते के अंदर जो है वो स्टोन्स बन गए हैं तो वो ये जो पत्ते के अंदर स्टोन्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं तो आपको यह जो है वो क्लियर हो गया होगा ठीक है फिर ये आपके जैसे मैंने अभी आपको लीवर के डिफरेंट फंक्शन बताए थे कि लीवर जो है वो हमारा मल्टी पर्पस ऑर्गन है ठीक है डिफरेंट हमारे जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं जैसे टॉक्सिसिटी को ये हार्मफुल uh, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के थ्रू uh, अगर प्रॉपर्ली जो है उनको हम वॉश ना करें तो हमारी ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं या प्रीजर्वेटिव जो हैं फूड में ऐड हुए होते हैं या जो है कलर्स जो हैं एडिटेटिव्स जो हैं वो हमारे फूड में ऐड होते हैं तो ये उन हार्मफुल सब्सटेंसेस की टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है इसी तरह अमोनिया जो हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत हार्मफुल है हमारे लिविंग सेल्स के लिए तो ये अमोनिया अमाइनो एसिड मेटाबोबोलिज़म के थ्रू जो ये अमोनिया है ये यूरिया में कन्वर्ट uh, हो जाता है जो लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस है और फिर ये यूरिया जो है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में बॉडी से रिमूव हो जाता है बाय किडनी ठीक है तो ये थे बेटे डिडोनियम uh, का फंक्शंस uh, जो पैंक्रियाज लीवर और गाल ब्लडर जिसमें इन्वॉल्व था अब इसके बाद जो है वो आगे नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है डेट इज़ दिजोनियम इसकी जो लेंथ है डेट इज़ टू पॉइंट फोर मीटर इन लेंथ एंड कम्प्राइज अबाउट टू फिफ्थ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लोअर थ्री फिफ्थ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइम फ्राम जिजोनीम इज द एलियम अब बेसिकली uh, मैंने आपको बताया था कि बेसिक जो डाइजेशन मैक्ममम जो डायजेशन है वो डिडोनीय में हो रही है बाई दी एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस एंड बाइल ठीक है रिमेनिंग जो फूड प्रोडक्ट है, uh, तो है वो कम्प्लीटली डायजेस्ट हो जाएगा जिजोनीम में तो जिजोनीय के जो एनजायम है वो यहाँ पर मैंशन है टेबल में अमाइनोपैप्टीडेज है ये एनजाइम क्या करता है इसका सबस्टेट है पोलीपैप्ट ये पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं ये एंजाइम्स जो हैं लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है रिप्सन रिप्सन क्या कर रहा है रिप्सन जो है एंजाइम, ये क्या कर रहा है ये डाईपैप्ट को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट sì, कर रहा है यानी अमाइनो अमाइनोपैप्टीडेज ने जो डाईपैप्ट प्रोड्यूस किए थे उनको जो एरिपसिन है वो कम्प्लीटली उनके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर रहा है ठीक है यहाँ हम देख सकते हैं कि ये काम जो है वो हो रहा है कि अमाइनोपैप्टीडेज पोलिपैप्टो डप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है और एरिपसिन एंजाइम जो जिन जिजोनियम में सिक्रीट हो रहा है वो इन डाइपैप्टाइड्स को अल्टीमेटली प्रोटीन के मोनोमर्स यानि अमाइनो एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है ठीक है फिर नेक्स्ट आपको दिखाया हुआ लाइपेज का लाइपेस जो है हमने डिडोनियम में भी पढ़ा है कि ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वाटर सोलिबल है ठीक है फैट आपको याद होगा कि ये वाटर इन्लिबल है लेकिन जो लाइपेज एंजाइम है ये वाटर सोलिबल है इसीलिए जो है ये यहाँ पर सिक्रीट हो रहा है अगर ये वाटर इंसॉलिबल एंजाइम होता तो ये यहाँ डिडोनियम में या जिजोनियम में एक सिक्रीट ना होता तो लाइपेज का जो है फंक्शन क्या है इसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है फैट्स हैं और ये फैट्स को क्या करता है फैटी एसिड और Glycerol जो इसके फाइनल एंड प्रोडक्ट हैं फैट्स के उनमें कन्वर्ट कर रहा है फिर इसी तरह से थर्ड वन जो है वो फिफ्थ वन सॉरी फोर्थ वन जो है वो क्या है माल्टेज है माल्टेज जो माल्टोज है माल्टोज क्या है ये डाइसेक्राइड है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ठीक है अगर आपको याद हो तो टू जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन होकर ये मिलकर जो है वो माल्टोज बनाते हैं ठीक है तो माल्टेज एंजाइम यानी डाइसेक्राइड को ये मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर रहे हैं फिर है आपके पास लैक्टेज लैक्टेज भी वो एंजाइम है जो डाइसक्राइड को मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो हैं वो मोनोसेक्राइड है यहाँ अब आप देख सकते हो कि फाइनली जो फूड कंपोनेंट्स थे यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स थी वो बेसिकली कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गई हैं अपने मोनोमर्स में ठीक है यानी प्रोटीन्स जो थी पोलीपैप्टाइड्स थे वो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो पोलीसेक्राइड की फॉर्म में थे स्टार्च या जिन की फॉर्म में थे वो अल्टीमेटली ग्लूकोज या दूसरे जो मोनोसेक्राइड हैं जैसे ग्लैक्टोज वगैरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फैट्स जो हैं वो अल्टीमेटली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए यानी कंप्लीटली जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो हमारी इस स्मॉल uh, इंटेस्टाइन के पार्ट में डिडोनियम और जिजोनियम में हो गई है अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस फूड की एबजॉर्बशन ठीक है Uh, जैसे हमने uh, जो डाइजेशन के स्टेप्स पढ़े थे कि डाइजेशन है फिर उसके बाद जो है वो uh, इनकी एसीमिलेशन है ठीक है तो एब्जॉर्ब्शन क्या है बेसिकली एब्जॉर्बशन एंड एसीमलेशन वो यहाँ जो ईलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट वहाँ पर होगा ठीक है नियरली ऑल एब्जॉर्पन जो है फूड की इट टेक्स प्लेस इन दी ईलियम तो डा absorption से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं ईलियम की जो बेसिकली स्ट्रक्चर है दैट इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें हम बोलते हैं विलाय ठीक है न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट देयर जिन्हें हम बोल रहे हैं विलाई और इस विलाई को फर्दर जब हम अगर क्लोजली इसकी लुक देखें तो वो फर्दर उनके अंदर जो है फोल्डिंग uh, है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो विलाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम इनको देखें तो जो विलाई एक सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू माइक्रो विलाई तो फंक्शन uh, क्यों ये इस तरह से विलाई और माइक्रो विलाई के अंदर इसकी स्मॉल इलियम की जो है वो इनफोल्डिंग हुई है बिकॉज फॉर दी पर्पस ऑफ एब्जॉर्बशन ताकि मैक्सिमम जो फूड है वो सेल्स के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो सके ठीक है तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर यहाँ आपको ये क्लियरली डायग्राम से दिखाया हुआ है कि जो विलाई है इसमें जो है ब्लड कैपलरीज़ हैं और एक सेंट्रल वैसल है जिसे हम बोलते हैं लैक्टेल ठीक है यहाँ आप देख सकते हो ब्लू कलर से जो है मेंशन है लैक्टेल लैक्टेल जो है बेटे ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है फोर्टीन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो लैक्टेल है ये क्या करता है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है एंड इट इज़ कंसर्न विद द आब्जॉर्बशन ऑफ फैट्स ठीक है तो विलाई आपको समझ आ गई है कि जो इंटरनल लाइनिंग है इलियम की इट हैज़ फिंगर लाइक फोल्ड जिन्हें हम विलाए बोलते हैं एंड दिस ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपलरीज एंड वेसल्स कॉल्ड द लैक्टेल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम अगर हम इन लैक्टेल्स को इन विलाय को फर्दर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो यहाँ पर फर्दर जो है इसकी यहाँ आपको दिखाई हुई है माइक्रो विलाई जो है वो प्रेजेंट है ठीक है तो पर्पस मैंने आपको बताया कि दिस इज़ फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट आ जाता है फ़ूड स्ट्रक्चर के बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि फ़ूड की जो एब्जॉर्प्शन है ई के अंदर वो कैसे होती है जो सिंपल शुगर हैं अमाइनो एसड्स हैं ठीक है दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन टू दी ब्लड स्ट्रीम ठीक है जो विलाई और माइक्रो विलाई पर ब्लड स्ट्रीम्स हैं ब्लड कैपलरीज हैं उनके अंदर ये सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली एबजॉर्ब हो रही हैं ठीक है लेकिन जो बेसिक uh, एबजॉर्बशन की जो प्रॉब्लम है दिस इज फॉर फैटी फैटी एसिड एंड ग्लिस्टरोल बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स ठीक है आपको याद होगा कि जो फैटी एसिड्स या हैं ये फैट्स के जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है हाइड्रोफोबिक हैं वाटर इंसॉलेबल है तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है या इनकी जो सेल्स के अंदर एब्जॉर्बशन है डैट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर सेल्स ठीक है सम जो फैटी एसिड या ग्लिस्टरोल हैं ये तो डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर एबजॉर्ब हो जाती हैं लेकिन जो लार्ज प्रोपोर्शन है फैटी एसिड्स और ग्लिस का उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईडीएम के अंदर अल्लाह ताला ने लैक्टेल जो है लिम्फैटिक सिस्टम का जो पार्ट है लैक्टेल वो बनाया हुआ है ठीक है तो लैक्टेल जो है ये क्या कर रही है कि फैटी एसिड्स और ग्लिस्ट्रोल्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है यहाँ जो है आपको मैं दिखाया हुआ है कि जो फैट्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे अब्ज़ॉर्ब होती हैं फ़र्स्टली क्या हुआ है कि जो लाइपेज एंजाइम है जो हमने पढ़ा है कि जिजोनियम में और वहाँ पर डिडोनियम के अंदर जो है वो सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स लाइपेज एंजाइम्स वो क्या करते हैं इन फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसोल की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं अब विलाई जो है एलियम की जो है स्ट्रक्चर ये उनके अंदर एंटर होकर फैट्स और ग्लिसरॉल दोबारा से फ़ैट्स की फॉर्म में कंबाइन कर गए हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि ईलियम के अंदर जो लैक्टेल है वो क्या करेगी इन फैट्स को दोबारा से जो लैक्टेल्स की जो प्रोटीन है जिसे हम लिपो बोलते हैं उनके साथ कंबाइन जो है करके लिपोप्रोटीन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देंगी यानी लैक्टेल की जो प्रोटीन्स हैं वो इन फैट्स के साथ कंबाइन कर होकर जो है वो लिपोप्रोटीन बना देंगी अब लिपोप्रोटीन जो है यहाँ पर ये क्या हुआ है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो रीजन है वो मिल गया है तो इट मीन्स के हाइड्रोफिलिक रीजन कौन सा है प्रोटीन का पोर्शन यानी ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन गए हैं ठीक है अब ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो सकती है ठीक है क्योंकि मैंने अभी आप आपको बताया कि फैट्स चूँकि हाइड्रोफोबिक है ये डायरेक्टली हमारे ब्लड सेल्स के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं हो सकती इनकी एब्जॉर्बशन के लिए विलाई की स्ट्रक्चर है लैक्टेल की स्ट्रक्चर है लैक्टेल के अंदर प्रोटीन इनको जो है लिपो प्रोटीन में कन्वर्ट कर रही हैं अब ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन जो है आ, इस हाइड्रोफोबिक रीजन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करने का काम कर रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये लिम्फैटिक्स जो थोरेसिक लिम्फ़ैटिक डक्ट है ये लिम्फ़ैटिक सिस्टम का पार्ट है थोरेसिक लिम्फैटिक डक्ट वो क्या कर रही है इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट कर रही है ठीक है यानी अब यहाँ पर थोरेसिक लिम्फ़ैटिक डग जो है ये ब्लड के अंदर ओपन हुई है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ओपन होने के बाद ब्लड के जो प्लाज्मा है ब्लड प्लाज्मा वहाँ के जो एंजाइम है फाइनली इस लिपोप्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे हाइड्रोलाइज कर देंगे ठीक है तो फाइनली फिर जो है ये प्रोटीन या तो जिस परपज़ के लिए जो ये फैट्स हैं ये जिस परपज़ के लिए बॉडी में एंटर हुई थी उसके लिए जो है वो यूज़ हो जाएंगी या तो ये रेस्परेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाएंगी या अगर सरप्लस फैट्स हैं तो ये डिवर सेल्स के अंदर या स्किन के अंदर जो है स्टोर्ड हो जाएंगे वो टिश्यूज़ जिनके अंदर ये फैट्स जो हैं वो स्टोर्ड होती हैं इन्हें हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज़ ठीक है फाइनली समझ आ गई है एबजॉर्बशन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एलियम पार्ट में हो गया है यानी सिंपल जो शुगर uh, थी या प्रोटीन्स uh, थे अमाइनो एसिड्स थे uh, वो तो सिंपली एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है वो सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब uh, हो गई थी लेकिन फैट्स की जो एब्जॉर्बशन है उसके लिए जो है डिफरेंट मेकानिज़म है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो, जो फैट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम लाइपेस के थ्रू पहले फ़ैट्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुई है फिर ये फ़ैट्स और ग्लिसरॉल जो है ये विलाई की जो वॉल्स हैं विलाई की जो सरफेस है उसको क्रॉस करके दोबारा से फैट्स में चेंज हो गई हैं ठीक है फैट्स में चेंज होने के बाद ये दोबारा से लैक्टेल जो है आ, लैक्टेल के अंदर एंटर हुई हैं और लैक्टेल में ज, लैक्टेल की जो प्रोटीन्स हैं वो इन फैट्स के साथ कंबाइन होकर लिपो प्रोटीन में कन्वर्ट करी है इनको ये लिपो प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर एंटर होकर थोड़ेसिक लिम्फेटिक डट के थ्रू बेसिकली जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है ब्लड uh, प्लाज्मा के अंदर एंटर हो जाएंगी और जो ब्लड प्लाज्मा के एंजाइम हैं वो फाइनली प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगी और वो जो फ़ैट्स uh, हैं वो वहाँ पर अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो है वो यूज़ हो जाएंगी नेक्स्ट क्या होता है कि जो ये इंटेस्टाइनल कॉन्टेंट्स थे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कॉन्टेंट्स थे ये पेरिस्टार्टिक एक्टिविटी के थ्रू मूव करते हुए ईलिय स्पिंटर को क्रॉस करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेसिकली इसके जो पार्ट्स हैं वो है सिकम कोलोन एंड रेक्टम सिकम क्या है सिकम इज अ ब्लाइंड सैक डेट प्रोजेक्ट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन ईलियम एंड कॉलोन From the blind end of cecum, there arises a finger-like process called appendix. The appendix sometimes get inflamed due to entrapping and then putrefication of food, causing appendix which has to be removed surgically in many instances. ठीक है समझ आई है इस बात की क्या cecum क्या है large intestine का जो part है इसका जो blind end है इसे हम बोलते हैं appendix. appendix जो था बेटे ये इसे हम vestigial organs भी बोलते हैं अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो अपने एंसेस्टर्स के अंदर तो कोई रोल प्ले करते थे कोई फंक्शन परफॉर्म करते थे लेकिन जो इनके डिसेंट्स हैं उनके अंदर कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करते यानी ये यूज़लेस ऑर्गन्स इन्हें हम बोल सकते हैं यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर अपेंडिक्स जो है वो डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता था लेकिन हमारे अंदर नहीं करते तो इस तरह से ये एक यूजलेस ऑर्गन है लार्ज uh, इंटेस्टाइन के साथ जो एसोसिएटेड है जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं तो ये जो अपेंडिक्स है समटाइम क्या होता है कि फ़ूड की इंट्रैपिंग या फूड की जो है कोई पार्टिकल वगैरह की uh, फंस जाने की वजह से ट्रैप हो जाने की वजह से स्वेल कर जाता है जो कंडीशन फिर ये जो है वो एक पेनफुल कंडीशन जो है वो क्रिएट करता है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं आपने अक्सर सुना हुआ होगा कि अपेंडिक्स का जो है वो पेन हुआ, हुआ हुआ है ठीक है जिसे इसका जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिर इसका ट्रीटमेंट यही है कि अपेंडिक्स ही को भी ये ही को जो है वो सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है ठीक है तो नेक्स्ट फिर आपको बताया हुआ कि मटीरियल डेट पास फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कौन कौन से मटीरियल हैं वाटर है, uh, है वहां पर डिजॉल्व सॉल्ट हैं या अनडाइजेस्टिड मटीरियल है वाटर और सॉल्ट जो हैं ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं जबकि जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है दिस इज रिजेक्टेड एज फीसिस पीसिस जो है फीकल मैटर इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कि इसके अंदर बैक्टेरियाज़ हैं प्लांट फाइबर्स हैं ठीक है स्लॉट ऑफ म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस जो है वो इंटरनल लाइनिंग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेस्टिव ट्रैक की उसके जो सेल्स हैं वो भी इस सारी आ, इंट्रैपिंग की वजह से रीन्यू होते रहते हैं तो जो फीकल मटेरियल है उसमें म्यूकस सेल्स भी हैं पुराने म्यूकस सेल्स जिसे हम स्लोड ऑफ म्यूकस सेल्स बोल रहे हैं ठीक है म्यूकस है कोलेस्ट्रॉल है जो लीवर सेल से प्रोड्यूस हुआ था हमने पढ़ा था, है अभी ठीक है बाइल पिगमेंट है या वाटर है ठीक है इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो यूज़फुल बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे लिए वाइटामिन के को जो है सिंथेसाइज्ड कर रही हैं ठीक अब लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइंस एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन डायरिया क्या है कि अगर वाटर की या साल की अब्जॉर्बशन प्रॉपर्ली ना हो ड्यू टू तो इन्फेक्शन या किसी और दूसरी ड्रग एक्शन या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया लेकिन अगर ज़्यादा वाटर की अब्जॉर्बशन हो गई है तो उस कंडीशन को जो है वो हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन ठीक है कब्ज तो हो जाना जिसे आप बोलते हो ठीक है फिर लास्ट जो पार्ट है वो है रेक्टम रेक्टम इज़ द लास्ट लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फीसिस आर टेम्परेरली स्टोर्ड एंड रिजेक्टेड थ्रू एनस ठीक है एनस इज सराउंडेड बाय टू स्पिंचर इंटरनल इज ऑफ स्मूथ एंड आउटर ऑफ स्ट्रिप्ट मसल्स अंडर नॉर्मल कंडीशन एज द रेक्टम इज फिल्ड अपीज इक्स कैन भी कॉन्शियसली इनबिटेड इंडिविजुअल अदर देन ग्रेजुअली दी चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लैक्स अंडर कंट्रोल नेक्स्ट है आपको ये टेबल आ, की फॉर्म में सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन और उनके फंक्शंस बताए हुए हैं इनको भी आप लोग एक बार देख लें इस तरह से आपको जो है ये आ, याद करना जो है आसान रहेगा समरी बेसिकली यहाँ पर आपको बताई हुई है नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कॉमन डिजीज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन जिनमें सबसे पहले जो है वो डाइसेप्सिया है डाइसेप्सिया क्या है इनकम्प्लीट और इंपरफेक्ट डाइजेशन जिसे हम बोलते हैं डाइसेप्सिया एक्चुअली दिस इज नॉट डिजीज़ बट ऑफ अदर डिस सिम्टोमेटिक्स मीन्स के दूसरी जो डिसऑर्डर्स या डिजीज हैं उनको जो है वो स्टार्ट कर देती है ठीक है जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं एबडोमिनल डिसकम्फर्ट फ्लैटुलेंस फ्लैटुलेंस मीन्स गैस हो जाना हार्ट बर्न नोजिया एंड वोमिटिंग ठीक है दीज सिम्टम्स में अकर इरेगुलरली एंड इन डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम डाइसप्सिया में आकर ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक यानी एच सी एल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से हो सकती है या फाल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन और इन सफिशंट क्वालिटी एंड क्वान्टिट्टी ऑफ बाइल सिक्रीशन यानी बाइल की भी अमाउंट अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो वो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट कर सकती है सेकेंड जो डिसऑर्डर है वो है फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि जो आ, कोई हार्मफुल माइक्रो माइक्रोआर्गनिज़म जो है वो हमारे फूड के साथ हमारी डाइट के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाता है तो इस कंडीशन को जो है वो हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग This term indicate an illness from indigestion of food containing toxic substances. One of the commonest causes of food poisoning are the toxins produced by bacteria Salmonella and Campylobacter. These bacteria actually live in the intestine of cattle, chicken, and duck without causing disease symptoms. Like in humans, इमप्रॉपरली कु मिल्क को अगर पी लेंगे या इम्प्रॉपरली कुकड मीट या एग जो हैं लेंगे तो ये कंटामिनेटेड पार्टिकल्स जो हैं कंटामिनेटेड बैक्टीरियाज जो हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होकर डिजीज़ कॉज करेंगे ठीक है सिम्टम्स क्या है फूड पॉइजनिंग की डायरिया है वोमिटिंग है या एब्डोमिनल पेन है uh, जो सिम uh, ये डिज़ीज़ के सिम्टम्स जो हैं ये कब स्टार्ट होती हैं आफ्टर ट्वेल्व to 24 hours आवर्स आफ्टर ईटिंग food ठीक है समटाइम इन्फेक्शन जो है वो इस वजह से भी हो सकता है कि हम जो है अनपास्चराइज मिल्क यानी विदाउट बॉयल्ड जो है मिल्क वो ले लें या मीट को प्रॉपरली जैसे हम तो फूड जो मीट है उसको अच्छी तरह से कुक करते हैं तो जो ये दूसरे नॉन मुस्लिम हैं या जो फॉरेन कंट्रीज में हैं ये मीट को ऐसा ही रॉ जो है वो ईट कर लेते हैं तो इस कंडीशन में भी ठीक है तो हम ये बात कर रहे थे फूड पॉइजनिंग की आ, कि ये जो है कोई भी पॉइजनस मटेरियल जो है बैक्टीरियाज़ वग़ैरह जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी डाइट के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाएँ तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली ये बैक्टीरिया इन्हीं कैटल्स के अंदर या चिकन जिनके हम मीट्स वगैरह या मिल्क प्रोडक्ट्स या एग्स वगैरह कंज्यूम कर रहे होते हैं उन्हीं की बॉडी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होते हैं एंटर क्यों होते हैं कि जब हम आ, वो फूड आइटम्स जो हैं वो प्रॉपर्ली कुक ना करें जैसे मिल्क जो है वो अनपास्चराइज हम यूज़ कर लें या मीट जो है उसको प्रॉपरली कुक ना करें तो जो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर जैसे ये नॉन मुस्लिम्स या जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो क्या करते हैं कि रॉम फॉर्म में ही मीट को जो है वो ले लेते हैं ठीक है तो क्या होता है कि ये जो है अलाइव फॉर्म में बैक्टीरियाज जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट होकर जो है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हम जो फूड को मीट को अच्छी तरह से कुक करते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है कि ये वो हमारे जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं फूड के अंदर बैक्टीरियाज़ वगैरह प्रेजेंट है उनको किल करने का काम करता है इसी तरह से दूसरी जो है कंडीशन वो फूड पॉइजनिंग की क्या होती है कि जो हम एक लॉन्ग टाइम के लिए एक लॉन्ग अरसे के लिए अपने जो फ़ूड आइटम्स जो हैं स्पेशली मीट को डीफ्रीज कर लेते हैं स्टोर कर लेते हैं तो वो भी एक जो है हमारी फूड की क्वालिटी को जो है रिड्यू फूड की जो आ, उसकी जो आ, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिमूव करने डिक्रीज करने का काम करते हैं कि जो डिफोरेस्टिंग फ्रोजन मीट है यानी जो फ़ूड हमने स्टोर किया हुआ है तो उस स्टोर फूड का जो लिक्विड रिलीज़ होता है उसके अंदर जो है सालमोनीला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ठीक है जो ये फूड पॉइजनिंग काज करता है तो ये जो जमे हुए फूड को जो मीट को हम निकालते हैं तो इसको जो है हमारे बर्तन वगैरह या दूसरे किसी फूड आइटम से जो है वो हमें दूर रखना चाहिए ठीक है फिर आ, स्वियर फॉर्म जो है फ़ूड पॉइजनिंग की से हमें हाँ, इसे हम बोलते हैं बोटुलिज्म बोटुलिज्म क्या है कि दिस इज़ कॉज बाय टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया नोन एज द क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम वोटोलिज़म जो है दिस इज़ डिवेल्प बाई यूज़ ऑफ इम्प्रॉपरली कैंड और अदरवाइज़ प्रिजर्व फूड यानी जो ये कैंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे जूसेज हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम बहुत अच्छा समझते हैं हाइजेनिक समझते हैं ठीक है तो ये ज़्यादा लंबे अर्से तक अगर स्टोर्ड रहें या प्रिजर्व रहें तो ये फूड की क्वालिटी को जो है वो ख़त्म कर देते हैं फ़ूड की जो आ, क्वालिटी को डिसप्रिएट कर देते हैं ठीक है उनके अंदर जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस या बैक्टीरियाज़ वग़ैरह जो है डिवेल्प हो जाते हैं ठीक है तो हम जो है बड़े शौक से और वो ख़ुद को बड़ा जो है मॉडर्न समझ कर इन आ, जो स्टोर्ड फूड हैं प्रिजर्व आइटम्स को यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली जो है ये हमारे लिए हार्मफुल है ठीक है फ्रेश मीट या फ्रेश जो फूड है डेट इज़ बेस्ट फॉर अस जो घर में बना हुआ हो तो अवॉइड किया करें इन चीज़ों से तो ये जो टॉक्सिन इनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बैक्टीरिया ये क्या करते हैं कि इवन के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करते हैं इवन कॉजिंग कार्डियक या रेस्पिरेटरी पैरालसिस ठीक है अर्ली सिम्टम्स क्या है इसकी फटीक हो जाती है यानी थकावट हो जाती है डिजीनेस चक्कर आना ऊँग आना नींद आना डबल वी एन हैडेज नोजिया वॉमिटिंग डायरिया या एब्डोमिनल पेन वगैरह जो ये हैं ये किसके सिम्टम्स हैं बॉटोलिज्म के नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपके पास ओबेसिटी ओबेसिटी मींस मोटापा ये क्या है कि जब अ पर्सन हैज अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट्स ऑन दी बॉडी इसके टू रीजन हो सकती हैं या तो जो वो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फूड खाता है बहुत ज़्यादा खाता है तो सरप्लस जो फूड है वो फैट्स के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एडिपोसट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो स्टोर्ड हो जाती है एडिपोस्ट टिश्यूज़ मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में जो एबडोमिन में आ, बैली के अंदर या किडनीज़ के या स्किन के अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं आ, तो ये क्या इन एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो चूँकि फैट्स जो है वो डि एक्यूमुलेट हुई हुई है डिपोजिट हुई हुई है तो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो उनके जो अमाउंट है वो कम है और जो सारी स्पेस है सेल के अंदर वो फैट्स के ड्रॉप ने ओकोपाइड की होती है ठीक है तो साइटोप्लाज्म और इनका जो न्यूक्लियस है वो एक थिन लेयर में जो है वो साइड पर मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है ठीक है सम yeah, पीपल जो हैं वो चाहे जितना मर्ज़ी खाते रहें उनके अंदर फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट नहीं होती जबकि जो थोड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही सिर्फ रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फ़ैट्स लेते हैं वो बहुत जल्दी ओबेस हो जाती हैं तो ये जो रीज़न है ये हार्मोनल इम्बेलेंस है जो हेरिडिटरी हेरिडिटी uh, से जो है आप लोग गेन करते हो उससे uh, तो यानी वो uh, कुछ कहते हैं कि जी हम खाते ही नहीं हैं फिर भी हम मोटापा जो है वो डेवलप uh, हो गया और कुछ कहते हैं कि वो आपने देखे होंगे कि खाते ही रहते हैं और फिर भी ओबेस नहीं होते तो ये जो है ये हार्मोनल इम्बेलेंस है इसकी जो रीज़न है ठीक है और डेट इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी ठीक है इफ़ ओबेसिटी uh, के जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं कि हाई ब्लड प्रेशर डिवेलप हो जाता है ओबेस पर्सनस को हार्ट डिजीज हो जाती है डायबिटीज़ मेलेटस या स्टमक डिसऑर्डर्स ठीक है नेक्स्ट ये एनोरेक्सा नर्वोसा या ब्ल्यूमसा नर्वोसा ये जो है पाइल्स ये आपके सिलेबस से स्किप हो गई हैं नेक्स्ट जो डिसऑर्डर इंक्लूड है वो है अल्सर अल्सर क्या है जिसे हम बोलते हैं कि मैदे या आंथड़ियों के अंदर जो है ज़ख्म या सूजन डेवलप हो जाना हमने देखा है कि पूरे जो तो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो हमारी इनर वॉल्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की वो म्यूकस से कवर्ड हैं ठीक है थीके? स्टमक uh, में जो है हमने डिटेल से डिस्कस किया था म्यूकस का फंक्शन इस म्यूकस का फंक्शन क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने एंजाइम्स हैं वो इनकी अपनी वॉल को डिग्रेड होने से रपच्चर होने से रोक सके ठीक है तो अगर म्यूकस जो है प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रही तो या इसकी सिक्रीशन जो है वो इस तरह से नहीं हो रही कि डाइजेस्टिव ट्रैक को कवर कर सके तो क्या होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं अपनी ही इंटरनल वॉल को जो है जो स्टमक या डिडोनियम वगैरह की वॉल्स हैं उनको रपच्चर कर देंगी जिससे जिसे हम कह सकते हैं कि बिंग टू ईट अवे यानी अपनी ही वॉल्स को जो है वो ईट करना ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो है वो सोर्स डिवेल्प हो जाएंगे ज़ख़म बन जाएंगे ठीक है इवन दिस कंडीशन इज़ सो फैटल के ये जो है एक पूरा होल भी बन सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ठीक है इस कंडीशन को है वो हम बोलते हैं अल्सर तो जो है इसकी जो रीज़न है वो और भी हो सकती है कि या तो गैस्ट्रिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है या वो जो पर्सन है वो स्मोकिंग करता है या स्पाइसी फूड बाहर की जो ये प्रोडक्ट बाहर के जो फूड्स हैं स्पाइसी फूड्स हैं या Uh, दूसरे जो ये पिज़्ज़ वगैरह हैं ये कंज्यूम करते हैं जिन्हें हम फास्ट फूड बोलते हैं ठीक है या अल्कोहलिक बेवरेज शराब वगैरह जो है ये लेते हैं कॉफ़ी टी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या स्ट्रेस कंडीशन में भी ये जो अल्सर है ये डिवेल्प हो सकता है ठीक है ये इतना फर्टल हो सकता है कि ये इवन के डाइजेस्टिव कैंसर भी काज कर सकता है ठीक है तो इन चीज़ों से जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए ये था बेटे आपका न्यूट्रिशन का चैप्टर जिसमें हमने डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस देख लिया न्यूट्रिशन क्या थी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस देखा है आपने डाइजेशन देखे हैं ह्यूमंस के अंदर तो ये आपका जो ट्वेल्थ चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है तो इसको भी आपने जो है वो याद साथ, साथ हर टॉपिक को बेटे आप साथ, साथ याद करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है ठीक है होपफुली uh, आप लोगों को समझ आ गई है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो ग्रुप में क्लास uh, टाइम में मुझसे कर सकते हैं थैंक यू